राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि महाराज आकाश कहते हैं अब हम पद्मावती का स्वयंवर आरंभ करते हैं और कहते हैं महाराज आकाश, मुझे पूर्ण विश्वास है स्वयंवर के तीसरे और अंतिम दिवस पर पद्मावती को अपना मनचाहा वर अवश्य मिलेगा। और फिर राजकुमार वासु कहता है पहले प्रतियोगी आगे आए, और फिर पहले प्रतियोगी आते हैं और अपना नृत्य प्रदर्शन कर रहे होते हैं, और फिर तभी भार्गवी कहती हैं मुझे श्रीनिवास को बताना ही होगा कि आज स्वयंवर में धनुर्विद्या प्रतियोगिता होने वाली है। और भार्गवी श्रीनिवास को बताने का प्रयत्न कर रही होती हैं, किंतु श्रीनिवास नहीं समझ पाते और कहती हैं भार्गवी, हे महादेव कुछ करिए, श्रीनिवास तो मेरा संकेत समझ ही नहीं रहा है। यदि आज ये स्वयंवर सफल हो गया तो हम कभी एक हो ही नहीं पाएंगे। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि देवी पार्वती महादेव से कहती हैं जो चिंता भार्गवी के मन में है वो मेरे मन में भी है, आपने पद्मावती और भार्गवी की प्रार्थना तो स्वीकार कर ली कि ये स्वयंवर असफल हो जाए, किंतु यदि ये नृत्य प्रतियोगिता असफल हो जाती है तो राजा आकाश धनुर्विद्या की प्रतियोगिता की घोषणा कर देंगे। और आप तो ये भली भांति जानते हैं महादेव कि श्रीनिवास को इस सभा में से कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा, क्योंकि श्रीनिवास के पास नारायण धनुष है जिसका लक्ष्य अचूक है। अंततः श्रीनिवास को पद्मावती से विवाह करना ही होगा और हमारी लक्ष्मी भार्गवी और श्रीनिवास का मिलन नहीं हो पाएगा। और कहती है आगे देवी पार्वती, महादेव यदि दोनों बिछड़ जाते हैं तो लक्ष्मी नारायण संसार को प्रेम का अर्थ कैसे समझाएंगे। और फिर महादेव कहते हैं गौरी, तुम भूल जाती हो कि लक्ष्मी और नारायण का प्रेम कितना दिव्य कितना महान है कि आज तक उनके मार्ग में उत्पन्न हुई प्रत्येक बाधा को उन्होंने सफलता पूर्वक पार किया है। तुम चिंता मत करो, इस समस्या का हल भी निकल आएगा। और हाँ, मेरी चिंता भी मत करो, क्योंकि मुझे भली भांति पता है कि मुझे अब क्या करना है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि प्रतिभागी अपना प्रदर्शन दे रहे होते हैं राजकुमारी पद्मावती के स्वयंवर में, और प्रतिभागी अच्छा नृत्य नहीं कर पाने के कारण सभा में सभी उपहास उड़ा रहे होते हैं प्रतिभागियों का। और फिर दूसरे प्रतिभागी आते हैं, वो भी नृत्य नहीं कर पा रहे होते हैं और भार्गवी श्रीनिवास को समझाने का प्रयत्न कर रही होती हैं, किंतु श्रीनिवास नहीं समझ पा रहे होते हैं। ऐसे ही एक के बाद एक प्रतिभागी आ रहे होते हैं और नृत्य नहीं कर पा रहे होते हैं। और फिर एक प्रतिभागी आते हैं और राजकुमारी पद्मावती के ऊपर फूल डाल रहे होते हैं, तभी ऋषि भृगु कहते हैं कुमार, ये क्या कर रहे हैं आप, ये नृत्य की प्रतियोगिता है, कृपया अपना नृत्य प्रस्तुत करें। और फिर राजकुमार प्रतिभागी कहते हैं नृत्य तो मैंने कभी सीखा ही नहीं ऋषिवर, इस नृत्य से अधिक महत्वपूर्ण हमारे लिए प्रेम है। और कहता प्रतिभागी, मैं राजकुमारी पद्मावती का अपने प्राणों से अधिक ध्यान रखूंगा, इन पुष्पों के भांति मैं जीवन भर पुष्पों की वर्षा करता रहूंगा उन पर। और फिर तभी राजकुमार बासु कहता है बाला, और फिर बाला जाता और कहता है कुमार धैर्य रखिए विराजिए। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि महर्षि भृगु स्वयंवर की सभा में सभी को ध्यान से देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं मुझे शीघ्र ही ये सुनिश्चित करना होगा कि इस सभा में यहाँ नारायण उपस्थित हैं या नहीं। और फिर महर्षि भृगु अपनी दिव्य दृष्टि से ज्ञात करने का प्रयत्न करते हैं कि नारायण कहाँ हैं। और फिर तभी श्रीनिवास कहते हैं मैं जानता हूँ कि आपके मुख पर ये जो चिंता के भाव हैं इसका मुख्य कारण क्या है, मैं आपको कुछ भी ज्ञात करने से नहीं रोकूंगा ऋषि भृगु, किंतु हाँ कुछ क्षण के लिए समय अवश्य रोकूंगा। और फिर श्रीनिवास चुटकी बजा के समय को रोक देते हैं और फिर सभी अपने स्थान पर रुक जाते हैं और श्रीनिवास भार्गवी के समक्ष जाते हैं और कहते हैं श्रीनिवास, जानता हूँ मैं कि तुम इतनी व्याकुल क्यों हो और ये भी जानता हूँ कि तुम उससे क्या कहना चाहती हो, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि अभी कुछ ही देर में क्या होने वाला है, ना ही मैं तुम्हें बता सकता हूँ भार्गवी, बस इसीलिए सोचा कि
उससे पूर्व कुछ समय तुम्हारे साथ व्यतीत कर ही लेता हूँ। और कहते हैं श्रीनिवास भार्गवी, आज मैं बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा हूँ और वो कदम उठाना आवश्यक है। उसके पश्चात तुम्हें चिंता भी अवश्य होगी और मैं कुछ कहूँगा जो तुम्हें स्मरण रखना है। अखिल श्रीनिवास भार्गवी के कान में कुछ बताते हैं और हाथ पकड़ के भार्गवी के कहते हैं, ये वस्त्र, ये आभूषण, ये श्रृंगार मैंने तुम्हारे लिए ही किया है। और अब जब तुम्हारा ये हाथ मेरे हाथ में है, तब जाके ये श्रृंगार पूर्ण हुआ है। और फिर श्रीनिवास समय को पुनः आरंभ कर देते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि महर्षि भृगु अपनी दिव्य दृष्टि से ज्ञात कर रहे होते हैं कि नारायण कहाँ है। और फिर श्रीनिवास को देखते हैं और कहते हैं, श्रीनिवास ही नारायण है, नहीं ये हो ही नहीं सकता, असंभव। और सोच रहे होते हैं, अवश्य ही नारायण ने कोई माया चलाई होगी अपने स्वरूप को छिपाने के लिए, ताकि मुझे लगे कि श्रीनिवास ही नारायण है और वो मुझसे बचे रहें। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि महाराज आकाश कहते हैं, ऋषिवर, सब राजकुमारों ने अपनी अपनी प्रस्तुति दे दी है। आपको लगता है कि इन राजकुमारों में से कोई एक राजकुमार पद्मावती के लिए योग्य है? और फिर ऋषि भृगु कहते हैं, मेरे विचार से कोई भी व्यक्ति नृत्य की कसौटी पर खरा नहीं उतरा है। और फिर महाराज आकाश कहते हैं, श्रीनिवास, क्या तुम्हारा भी यही मत है? और फिर श्रीनिवास कहते हैं, हाँ महाराज। और फिर महाराज आकाश आगे बताते हैं, हम इस स्वयंवर में श्रेष्ठ बन नहीं ढूंढ पाए, किंतु हमारे पास एक विकल्प है। और फिर महाराज आकाश कहते हैं, मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ ये घोषणा करता हूँ कि। और तभी राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, एक क्षण पिताश्री, ऐसे बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहती हूँ, किंतु पिताश्री ये मेरा स्वयंवर है और यहाँ उपस्थित सभी राजकुमार। और फिर कहती हैं, क्षमा कीजिए, किंतु इस कसौटी में असफल हुए हैं। अब ये मुझ पर निर्भर करता है कि मैं अपने विवाह के लिए किसे चुनती हूँ। और बताती हैं पद्मावती, यदि स्वयंवर में योग्य वर ना मिले तो उससे पूर्ण सभा का अपमान होता है, किंतु मेरा मानना है कि अभी भी एक योग्य व्यक्ति है जिसने अपनी प्रस्तुति नहीं दी है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि और फिर महाराज आकाश कहते हैं, कौन है वो? और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती है, श्रीनिवास। और तभी ये सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। और भार्गवी सोच रही होती हैं, श्रीनिवास और राजकुमारी पद्मावती की बात को। राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, मैं तो सब कुछ छोड़ने के लिए सज्ज हूँ, ताकि मैं उस व्यक्ति से विवाह कर सकूँ जिससे मैं प्रेम करती हूँ। कोई राजा हो या श्रीनिवास की भांति कोई नर्तक ही क्यों ना हो। इस सोच के भार्गवी अत्यंत चिंतित हो रही होती है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, राजकुमारी पद्मावती कहती है, पिताश्री, यहाँ पर श्रीनिवास सबसे श्रेष्ठ नर्तक है और इसीलिए यहाँ इसे अपना नृत्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए, ताकि सभी को ये ज्ञात हो जाएगा कि मेरा चयन अनुचित नहीं है। और फिर महाराज आकाश कहते हैं, तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रही हो पद्मावती। और फिर आगे महाराज आकाश कहते हैं, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए पद्मावती कि मैंने आज जिसे भी बुलाया है वो उच्च कुल के राजकुमार हैं और तुम चाहते हो कि हम इन्हें असफल घोषित कर दें और श्रीनिवास को स्वयंवर में आने के लिए आमंत्रित करें। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती है महाराज आकाश से, इस मांग में अनुचित क्या है? राजकुमारी पद्मावती कहती है, श्रीनिवास सर्वश्रेष्ठ नर्तक है। और फिर महाराज आकाश कहते हैं, मैं मानता हूँ कि वो श्रेष्ठ नर्तक है, किंतु मैं तो केवल ये कहना चाहता हूँ कि वो राजकुल से नहीं है। और कहती है राजकुमारी पद्मावती, कुल तो धरा पर आकर ही बनते हैं पिताश्री, किंतु हम सभी को तो ईश्वर ही बनाते हैं ना। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि महाराज आकाश कहते हैं, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वो राज परिवार से नहीं है। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती है, कुल तो धरा पर आकर ही बनते हैं ना पिताश्री, किंतु हम सभी को तो ईश्वर ही बनाता है ना। और फिर महाराज आकाश बताते हैं, बनाता है, किंतु साधारण पत्थर भी वही बनाता और अमूल्य पत्थर भी वही बनाता है। किंतु ये स्मरण रखना मेरी पुत्री, साधारण फूलों की कोई विशेषता नहीं होती और अमूल्य पत्थरों को, अमूल्य रत्नों को दूध से धोया जाता है, कीचड़ से नहीं।
और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, कमल भी तो कीचड़ में ही खिलता है पिताश्री, आप समझने का प्रयास कीजिए। ये एक कसौटी है और कसौटी पर खरा केवल स्वर्ण ही निकलता है और स्वर्ण का कोई कुल नहीं होता है पिताश्री। मेरे स्वयंवर में भी यहाँ पर उपस्थित कोई भी व्यक्ति स्वर्ण सिद्ध हो सकता है, फिर चाहे वो कोई भी उनका राजकुमार हो या फिर श्रीनिवास। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती महाराज आकाश से कहती हैं, पिताश्री तो क्या अब आप उसे इस स्वयंवर का हिस्सा नहीं होने देंगे? और फिर महाराज आकाश कहते हैं, नहीं ले सकता, क्योंकि श्रीनिवास इस प्रतियोगिता में एक प्रतियोगी के रूप में नहीं एक चयनकर्ता के रूप में आमंत्रित किया गया है। और फिर तभी राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, यदि मेरी इच्छा का ध्यान ही नहीं रखा जा रहा है तो इसे स्वयंवर कहा ही क्यों जा रहा है पिताश्री, मुझे सब कुछ किसी और के कहने पर करना पड़ रहा है, तो इससे तो अच्छा यही है कि मुझे इस स्वयंवर को यहीं समाप्त कर देना चाहिए। और फिर राजकुमारी पद्मावती अत्यंत ही दुखी हो जाती हैं और अपने स्वयंवर की सभा से जा रही होती हैं। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए राधे राधे।